हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन स्ट्रोक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ए नेशनलाइज्ड बैंक हैज फाउंड दैट डेली बैलेंस अवेलेबल इन इट्स सेविंग अकाउंट फॉलोज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ऑफ 500 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 50। ठीक है, मीन 500 है, स्टैंडर्ड डिविएशन है 50 और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स हु मेंटेन ए एन एवरेज डेली बैलेंस मोर देन 500। ठीक है, तो हमसे पूछा, देखो मीन क्या है, 500, स्टैंडर्ड डिविएशन 50। तो हमसे पूछे प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 500 यानी मीन से ग्रेटर देन, तो मीन बिल्कुल मिडल में है, तो ग्रेटर देन 500 और लेस देन 500 दोनों की प्रोबेबिलिटी 0.5 ही आएगी, बट परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज यानी कि 50%, बस ये ध्यान रखना है। आंसर आएगा 50। ठीक है, 500 मीन है, मीन से ज्यादा वाले भी 50% है, मीन से कम वाले भी 50% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फेयर कॉइन इज टॉस रिपीटेडली टिल बोथ हेड एंड टेल अपियर एटलीस्ट वंस, एवरेज नंबर ऑफ टॉसेज रिक्वायर इज। देखो हमें तब तक टॉस करना है जब तक हेड टेल दोनों एक एक बार ना आ जाए मिनिमम। ठीक है, अब देखो मान लो 2 बार तो टॉस करना ही पड़ेगा, एक बार टॉस करने से दोनों हेड और टेल तो नहीं आएंगे, तो 2 बार टॉस करने से देखो या तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 1 मिनट कि कितनी बार करना पड़ सकता है टॉस। ठीक है, एक्स हो गया और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब 2 बार टॉस करना पड़ सकता है, मान लो 2 बार टॉस किया तो उसमें टोटल 4 तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, और 2 चांस में हेड और टेल दोनों आ जाएंगे यानी 2/4। ठीक है, पर अगर मान लो 3 बार टॉस करना पड़ गया यानी हेड हेड आया टेल टेल आया, तो क्या हो सकता है, या तो हेड 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 या फिर हेड हेड टेल, टेल के बाद क्या हो सकता है, तो टेल 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 या फिर टेल टेल हेड, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 3 बार टॉस करना पड़ा तो उसमें भी 2 ही ऐसे केस हैं जिसमें हेड टेल मिनिमम एटलीस्ट एक बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये 8 केस बनेंगे, यहाँ पे 3 बार टॉस करना पड़ा अगर देखा जाए तो। तीन बार टॉस करना पड़ा, 2 ही ऐसे केस हैं, ठीक है, आउट ऑफ 8। ठीक है, अगर मान लो 4 बार टॉस करना पड़ा हमें, तो वही देखो 2 ही केस ऐसे होंगे जैसे हेड 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 टेल 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 हेड, जहां पे हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 हमारे फेवरेबल केसेस होंगे आउट ऑफ 16। सिमिलरली 5 होगा तो 2/32 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमें क्या बोला, एवरेज नंबर यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, अब ये देखा जाए, देखो ये क्या है, ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये 1/8, ये 1/16, तो 2 इंटू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/8 प्लस 5 इंटू 1/16 एंड सो ऑन। ठीक है, और देखो सबका सम भी 1 होना चाहिए ना, सबका सारी प्रोबेबिलिटी का, वो भी चेक कर लो। देखो कि 1/2 फर्स्ट टर्म है,
इनफाइनाइट जीपी 1/2 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/2 है, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 1, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है सही है, अगर 1 नहीं आता इट मीन्स हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। फिर e की पावर ex, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, तो दोनों तरफ मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, तो 2 × 1/4, फिर 3 × 1/8 प्लस 4 × 1/8 एंड सो ऑन। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 − 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा एस माइनस एस बाय टू, तो एस बाय टू, यहाँ पे 2 × 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/4, यहाँ 1/8, यहाँ 1/60 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहली टर्म तो 1 होगी, ये तो 1 हो गया, ठीक है। अभी इनफाइनाइट जीपी बन गई जिसकी फर्स्ट टर्म 1/4 है, कॉमन रेशियो 1/2 है, तो 1 + 1/4 नीचे 1/2 आ गया, 1/4 1/2 पर गया, तो 1/2 यानी 3/2। अभी 3/2 किसके इक्वल है, एस बाय टू के, तो एस बाय टू इज इक्वल टू 3/2, एस की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीधा सा क्वेश्चन है। देखो, इफ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस रियल वैल्यू रैंडम वेरिएबल डिफाइन ओवर इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इट्स अकरेंस इज डिफाइंड बाय डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें देख के पता चल रहा है, जिसमें ए मीन है, बी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, म्यू और सिग्मा जैसे। ए एंड बी आर स्टैटिस्टिकली एट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल एक्स, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू ए और एफ एक्स, ठीक है। अब देखो, ए मीन है, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके मीन तक और मीन से लेके इनफाइनिट तक दोनों का इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0.5, ठीक है। तो अब ये तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर एन अनबायस्ड क्यूबिक डाइस विद ऑपोजिट फेसेस कलर्ड आइडेंटिकली एंड ईच फेस कलर रेड ब्लू ग्रीन सच दैट ईच कलर अपियर्स ओनली 2 टाइम्स ऑन ए डाइस। इफ डाइस इज थ्रोन थ्राइस, द प्रोबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग रेड कलर ऑन द टॉप फेस ऑफ द डाइस एटलीस्ट ट्वाइस। देखो, अगर देखा जाए हमने कितनी बार टॉस किया, 3 बार, 6 टोटल फेस हैं, उसमें से 2 रेड हैं, 2 ब्लू हैं, 2 ग्रीन है ना, ब्लू ग्रीन, तो टॉप पे किसी भी फेस आने की प्रोबेबिलिटी, रेड आने की 2/6, ब्लू आने की 2/6, ग्रीन आने की 2/6 यानी 1/3, तो हमें चाहिए रेड टॉप पे, तो रेड की 1/3 है, और रेड ना आने की प्रोबेबिलिटी टॉप पे 2/3 है। हम चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है हमारा एटलीस्ट 2 बार आए, है ना, रेड टॉप पे 2 बार आ सकता है, तो 3 बार भी आ सकता है, ठीक है। तो हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 3, तो यानी एन सी, एन की वैल्यू 3 है, 3c2, 1/3 की पावर 2 और 2/3, तो 3c3, 1/3 की पावर 3, 3c2 होता 3, और ये आ जाएगा 1/9, 2/27, 3c3 1 हो जाएगा, 1/3 का क्यूब यानी 1/27, 6/27, 1/27, तो 7/27, ठीक है, 7/27 आ जाएगा 0.259, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, एन अनबायस्ड कॉइन इज टोस्ट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द फोर्थ हेड अपियर एट द 10th टॉस इज, देखा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि 10 टॉस में 4 बार हेड आना चाहिए, 10वें टॉस पे चौथा हेड होना चाहिए, इट मीन्स क्या होगा, प्रोबेबिलिटी फोर्थ हेड एट 10th टॉस, इसका मतलब क्या है कि पहले 9 टॉस में 3 बार हेड आ चुका है,
फर्स्ट 9 टॉसेस, इनटू एंड ठीक है, तो 9 टॉस में 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 9C3, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 9 - 3 = 6, इनटू 10वें टॉस पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, ठीक है, हेड या टेल किसी भी आने की, तो 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 9 इनटू 1/2 है, तो 1/2 की पावर 10 ही हो गया, ठीक है, तो 9 × 8 × 7 यहाँ पर जगह 3 × 2 × 1/2 की पावर 10, ठीक है, 3 × 9 = 8, 4 × 12 12, 87, ठीक है, डिवाइड बाय 2 की पावर 10। और देखो विदाउट कैलकुलेटर इसको कर सकते हो, 2 की पावर 10 किसके इक्वल होता है, 1024 अप्रोक्सीमेट 1000, तो 84 बाय 1000 उसी आना चाहिए, ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ पे आंसर दूर दूर है काफी, ठीक है, तो 84 डिवाइड बाय 1024 ये एग्जैक्टली आ जाएगा हमारा 0.082, ठीक है, ऑप्शन सी। इसी के साथ 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियोस को सीखो प्लीज, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच।